नमस्कार साथियों, आप सभी को झारखंडी जोहार, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में, और एक बार फिर से आप सभी को झारखंडी जोहार। ठीक है, चलिए करेंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और करेंट अफेयर्स को समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी को पता होगा कि सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और हमारे झारखंड में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी करेंट अफेयर्स होते हैं उन सभी करेंट अफेयर्स को डिटेल में हम लोग एनालाइज करते हैं। अच्छा, आप में से कई साथियों का प्रश्न होगा कि सर करेंट अफेयर्स क्या होता है। आप अगर झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम, जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का हो, पीजीटी का हो, सहायक आचार्य का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में जो करेंट अफेयर्स का वेटेज है, करेंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ज्यादा है। आपको झारखंड के एग्जाम्स में कई सारे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रश्न अब का वही है कि सर करेंट अफेयर्स होता क्या है। करेंट अफेयर्स में हम अपने आसपास के चीजों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। करेंट अफेयर्स में हमारे झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, हमारे झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, उन सभी चीजों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आप बोलेंगे सर जैसे जैसे झारखंड सरकार के द्वारा कौन कौन सी पॉलिसीज लाई जा रही है, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों के लिए, हमारे लिए कौन कौन से स्कीम्स है वो लाया जा रहा है, तो उन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस क्लास में जानने का प्रयास करते हैं। अगर इस क्लास को आप लोग करते हैं तो ना केवल आप एग्जाम में करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके झारखंड में क्या हो रहा है, सभी चीजों को आप आसानी से समझ भी सकते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो पहले करंट अफेयर की ओर चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड का पहला 8 लेन सड़क का जो उद्घाटन है वो किया गया है, या फिर कह सकते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड का पहला 8 लेन जो सड़क है उसे लोकार्पण किया गया है। ठीक है, अब झारखंड का पहला 8 लेन सड़क है तो इंपॉर्टेंट यह है कि यह बना कहां पे है। दूसरा प्रश्न ये आता है सर लेन क्या होती है, 8 लेन सड़क का मतलब क्या होता है। चिंता ना करें, सभी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो 8 लेन सड़क है जिसका उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है, ये बना कहां पे है। तो ये बना है झारखंड के धनबाद जिले में। कहां पे? झारखंड के धनबाद जिले में, या फिर कह सकते हैं झारखंड के धनबाद शहर में। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि झारखंड का पहला 8 लेन सड़क कहां पे बना है, तो झारखंड के धनबाद शहर में। धनबाद जिसे क्या कहते हैं, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी। खैर, वो सब बाद की बात है, उसके बारे में हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं 8 लेन सड़क की। आप ये तस्वीर भी देख पा रहे हैं 8 लेन सड़क का। अब आप बोलेंगे सर यहां पे तो 4 सड़क नजर आ रही है और आप कह रहे हैं 8 लेन, 8 लेन का मतलब क्या सर 8 सड़कें होनी चाहिए। नहीं, जैसे आप ये सड़क देख पा रहे हैं, ठीक है, आप इस सड़क में देख पा रहे हैं 2 लेन, यह है पहला लेन या यह है दूसरा लेन, यानी एक सड़क में 2 गाड़ियां जो है वो चल सकती है। इसे कहते हैं 2 लेन रोड। क्या कहते हैं? 2 लेन रोड, यानी इसमें एक साथ 2 गाड़ियां चल सकती है। पहली गाड़ी इसमें चल सकती है, दूसरी गाड़ी इसमें चल सकती है, तो इसे कहेंगे हम लोग 2 लेन। अगर इस तस्वीर को आप देखेंगे तो 2 लेन के टोटल कितने हैं, 4 सड़कें हैं। जैसे आप देखेंगे यहां पर हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8। खैर इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ये धनबाद वाली सड़क है नहीं। धनबाद वाली जो सड़क है वो ये वाली है, ये 2-2 करके है। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए बताया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग एक रोड को 2 लेन सड़क कहते हैं। अगर उसमें एक साथ 2 गाड़ियों की चलने की जगह होती है तो उसे कहते हैं हम लोग 2 लेन रोड। आप देखेंगे यहाँ पे 2-2 लेन की टोटल 4 सड़कें हैं, यानी झारखंड का पहला
एट लेन सड़क जो है वो कहां पे बनकर तैयार हो गया है। झारखंड का पहला एट लेन सड़क जो है वो कहां पे धनबाद में बनकर तैयार हो गया है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या ये जो झारखंड का पहला एट लेन सड़क है इसे वर्ल्ड बैंक के हेल्प से बनाया गया है। किसके हेल्प से? वर्ल्ड बैंक की, यानी वर्ल्ड बैंक इसमें आर्थिक मदद की है, वर्ल्ड बैंक के पैसे इसमें लगे हैं। वर्ल्ड बैंक के हेल्प से बनाया गया है, कहने का क्या मतलब है कि वर्ल्ड बैंक के जो इंप्लॉय हैं वो वहां के यहाँ पे काम किए हैं, वैसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा आर्थिक मदद दी गई है, यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा इकोनॉमिकल हेल्प जो है वो दिया गया है, पैसों की हेल्प की गई है। अच्छा एक और चीज आती है कि सर झारखंड का पहला अगर एट लेन सड़क बना है तो उसमें कॉस्टिंग कितनी आई है? 462 करोड़, 462 करोड़ हम लोग कह सकते हैं, 461.90 है, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोग इसे राउंड फिगर में 462 करोड़ जो है वो कह सकते हैं, यानी 462 करोड़ की लागत से झारखंड का पहला एट लेन सड़क जो है वो बनकर तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगर आप लोग पिछला क्लास देखे होंगे, क्या सर, तो पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि कांटा टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। रांची में क्या बना है? झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर बना है, तो झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर उसका उद्घाटन भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा ही किया गया है। तो कई सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, क्योंकि झारखंड का पहला एट लेन सड़क है। ठीक है, तो हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछे कि झारखंड का पहला एट लेन सड़क जो है वो कहां पे बनकर तैयार हो गया है? धनबाद में। ठीक है, हम लोग बात करते हैं धनबाद के बारे में, तो आपको धनबाद से जुड़ी कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। धनबाद जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, और क्या, धनबाद को सिटी ऑफ माइंस, कहने का क्या मतलब है, खदानों का शहर कहते हैं। क्यों कहते हैं? धनबाद में बहुत सारे माइंस है, धनबाद में खदानें जो है वो भरी हुई है, हर 500 मीटर के बाद आपको एक नया खदान देखने को मिल जाएगा। धनबाद में अगर आप जाएंगे एकदम घर घर में कोयला है, ठीक है, धनबाद में घर घर में कोयला है और एकदम घर के अगल बगल में आपको खदान मिल जाएगी। जो लोग धनबाद से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि उनके घर के अगल बगल में भी खदान जो है होगा ही, माइंस जो है वो होगा ही, कोल माइंस। ठीक है, तो इसीलिए धनबाद को खदानों का शहर यानी क्या कहते हैं, सिटी ऑफ माइंस, खदानों का शहर कहते हैं। अच्छा काला हीरा की धरती, लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड्स किसे कहते हैं? लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड्स, ये भी धनबाद को ही कहते हैं। ठीक है, लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्लास का पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप में से जिन साथियों को पीडीएफ डाउनलोड करना है, पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ना केवल क्लासेस के पीडीएफ्स बल्कि क्लासेस के नोटिफिकेशंस, डिटेल्स, अपडेट्स, सभी चीजें आप एक्सेस कर पाएंगे। आप हमारे साथ व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं, खैर ये सब तो अलग बातें हो गई है। चलिए अब हम लोग और क्या बातें करते हैं। बीजेपी के द्वारा एड़ी चोटी का जोर जो है वो लगाया जा रहा है, किस लिए? विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए। आप सभी को पता होगा कि दिसंबर के महीने में झारखंड का विधानसभा चुनाव होने वाला है। ठीक है, 2019 में झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ था और अब जो है वो 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव जो है वो होने वाला है। 2019 की अगर हम लोग बात करें, 2019 में जेएमएम की सरकार बनी थी और आज जो है वो झारखंड में जेएमएम की सरकार ही चल रही है। खैर जेएमएम में भी कई सारे बाधा उत्पन्न हुए हैं, चंपाई सोरेन जो है वो जेएमएम को छोड़ के बीजेपी में चले गए हैं। ठीक है, तो कई सारे चीजें हैं, लेकिन इन सभी चीजों के बीच में आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी के द्वारा है वो विधानसभा चुनाव के लिए कुछ घोषणाएं की गई है। अगर हम लोग बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के द्वारा लोगों को लुभाने के लिए, जिस तरीके से जेएमएम के द्वारा लोगों को लुभाया जा रहा है, जेएमएम के द्वारा क्या किया जा रहा है, 1000 रुपये मंथली दिया जा रहा है महिलाओं को, तो 1000 रुपये मंथली दिया जा रहा है क्यों? ताकि लोग हमें वोट दे। अब जेएमएम 1000 दे रही है तो बीजेपी कह रही है कि हम 2000 देंगे। अब सोचिए क्या हो रहा है, जेएमएम बोल रही है कि हम 1000 करके महिलाओं को दे रहे हैं, महिला सम्मान योजना,
जेएमएम बोली है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना चला रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है कि जेएमएम अगर 1,000 दे रहा है तो हम 2,000 देंगे, पैसों की कमी हमारे पास भी थोड़ी है, हमने भी झारखंड को लूटा है। जेएमएम कह रही है हमने भी झारखंड को लूटा है, एकदम पैसों की कमी किसी के पास नहीं है, ना ही जेएमएम के पास, क्योंकि जेएमएम ने भी झारखंड को अच्छा खासा लूटा है। और बीजेपी कह रही है कि हमने भी क्या झारखंड को कम लूटा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम 2,000 देंगे। तो बीजेपी कह रही है कि हम गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपया हर महीने देंगे। मैया योजना के तहत महिलाओं को 1,000 दे रही है जेएमएम, तो हम जो है वो 1100 रुपया ज्यादा देंगे और हम 2100 देंगे, आप हमें वोट दीजिए। अच्छा, बीजेपी कह रही है जेएमएम अबुआ आवास योजना दे रही है तो हम लोग घर साकार योजना देंगे, ठीक है। उसी के साथ अगर हम लोग बात करें, बीजेपी क्या कह रही है कि जेएमएम के द्वारा लक्ष्मी जोहार योजना नहीं दिया जा रहा है, हम लक्ष्मी जोहार योजना भी देंगे। क्या क्या योजना है आइए बात करेंगे। यहाँ पे आप आर्टिकल को देख पा रहे हैं और इस आर्टिकल में आप देखेंगे कि जितने भी दिग्गज बड़े बड़े नेता है वो झारखंड में आके डेरा डाल लिए हैं। चाहे हम लोग हेमंता बिश्व शर्मा की बात करें, चाहे हम लोग शिवराज सिंह चौहान की बात करें, तो सभी जो बड़े बड़े नेता है वो झारखंड में आ गए हैं, ठीक है। अब झारखंड का जो माहौल है वो गर्मा गया है, ठीक है। झारखंड का जब माहौल गर्मा गया है तो आइए हम लोग कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि युवा साथी भत्ता देंगे 2,000 मासिक राशि देंगे, 2,000 का मासिक भत्ता देंगे जिन छात्रों ने या फिर जिन युवाओं ने ग्रेजुएशन कर लिया है और ग्रेजुएशन करने के बाद उनको नौकरी नहीं मिली है। समझिए, ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपको नौकरी नहीं मिली है तो बीजेपी कह रही है कि महीने में हम 2,000 देंगे, हमें वोट दीजिए, ठीक है। बीजेपी कह रही है कि महिलाओं को 2100 रुपया देंगे गोगो दीदी योजना के तहत, मैया सम्मान योजना में आप लोगों को 1,000 मिलता है तो हम लोग आपको 2100 रुपया देंगे, ठीक है। घर साकार योजना के तहत हम लोग आवास देंगे और लक्ष्मी जोहार योजना के तहत 500 रुपये में हर साल 2 एलपीजी सिलेंडर देंगे, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो आज के टाइम पे लगभग 1,000 का मिलता है, ठीक है। एक एलपीजी का सिलेंडर आज के टाइम पे लगभग 1,000 का मिलता है, तो बीजेपी कह रही है हम लोग साल में 2 सिलेंडर देंगे 500 रुपया में, यानी आधे कीमत पर। 1,000 लगता है, उसके जगह 500 लगेगा आपको। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो कि बीजेपी आपके सामने लेके आई है और इन योजना के थ्रू आप लोगों को लुभाने का काम किया जा रहा है कि आप लोग हमें वोट दीजिए और हम आपको बदले में ये सारी योजनाओं का लाभ जो है वो देंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव क्विज लाया गया है, ठीक है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम लोग झारखंड इलेक्शन कमीशन की बात करें, झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव क्विज लाया गया है जिसका 50,000, 30,000 और 20,000 ये जो राशि है वो रखा गया है। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज। अगर फर्स्ट प्राइज की बात करें 5,000, सेकंड प्राइज की बात करें 30,000 और थर्ड प्राइज की बात करें तो 20,000 का जो पुरस्कार है वो रखा गया है किसमें, चुनावी क्विज में, ठीक है। हम लोग बात करें झारखंड में इलेक्शन की, झारखंड में चुनाव की। दिसंबर के महीने में झारखंड का चुनाव होगा, ठीक है, दिसंबर के महीने में झारखंड का चुनाव हो गया। अच्छा, झारखंड इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है? झारखंड इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है? के रवि कुमार। आप देख सकते हैं के रवि कुमार कौन है, तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं झारखंड के, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो झारखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, के रवि कुमार, ठीक है। अच्छा, झारखंड स्टेट कमीशन के द्वारा झारखंड का जो इलेक्शन है वो कंडक्ट किया जाता है, तो झारखंड इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी, 2001 में, 14 मार्च 2001 में, आप यहां पे देख सकते हैं, क्लियर। अगर एग्जाम में पूछे कि झारखंड इलेक्शन कमीशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो झारखंड इलेक्शन कमीशन की स्थापना 14 मार्च 2001 में, याद रहेगा, कोई दिक्कत है यहां तक?
यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा क्लास के लास्ट में, ठीक है। अभी हम लोग पहले करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, उसके बाद आगे चल के आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी कि बीजेपी के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं जो लाया गया है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि बीजेपी के द्वारा गोगो दीदी योजना के तहत कितनी राशि देने की घोषणा की गई है, तो 2100 रुपया, ठीक है। तो सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल आप लोगों के लिए दो योजनाएं हैं, जो मेरी बहनें हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए गोगो दीदी योजना, और जो मेरे भाई हैं उनके लिए भी है, जो मेरी बहनें हैं उनके लिए भी है, ये युवा साथी भत्ता 2000 की मासिक राशि दी जाएगी जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है। इफ यू आर ग्रेजुएट देन आप जो है इस योजना का लाभ जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अच्छा, इस तस्वीर में आप एक व्यक्ति को देख पा रहे हैं, ये कौन है? यह है राहुल सिन्हा। कौन है? राहुल सिन्हा। इन्हें झारखंड निदेशक बनाया गया है, झारखंड का खान निदेशक जो है वो बनाया गया है, ठीक है, यानी झारखंड के माइंस डायरेक्टर बनाए गए। आइए बात करते हैं, ठीक है। झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का एमडी और झारखंड के माइंस का डायरेक्टर किसे बनाया गया है? रांची के पूर्व उपायुक्त, उपायुक्त का मतलब है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, तो झारखंड के रांची के फॉर्मर डीसी राहुल सिन्हा को बनाया गया है। कोई परेशानी? चीजों को समझिए। रांची के फॉर्मर डीसी, रांची के पूर्व उपायुक्त राहुल सिन्हा को झारखंड खान निदेशक और साथ साथ झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का एमडी बनाया गया है। एमडी का मतलब है मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। राहुल सिन्हा की अगर बात करें तो ये आप राहुल सिन्हा को देख पा रहे हैं। और अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड में मिनरल्स भरे हुए हैं। आइए कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा कहा जाता है, क्या कहा गया है कि पूरे भारत में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसका 40% मिनरल झारखंड में पाया जाता है। आप लोग बोलेंगे सर नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहां पे दिया हुआ है कि पूरे भारत में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसका 40% मिनरल केवल झारखंड से पाया जाता है। सोचिए झारखंड कितना समृद्ध राज्य है। झारखंड बहुत समृद्ध राज्य है। झारखंड को गरीब बना के रखा है झारखंड की सरकार ने, चाहे जेएमएम की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार, जो भी सरकार आई है उन्होंने लूटने का ही काम किया है, ठीक है। मधु कोड़ा ऐसा लूटा है कि अभी तक बैठ बैठ के खा रहे हैं, और आने वाली 7 पुश्तें भी मधु कोड़ा की बैठ बैठ के खाएगी, इतनी लूट जो है वो मधु कोड़ा ने करके रखी है, ठीक है। तो झारखंड एक समृद्ध राज्य है, झारखंड को गरीब जो है वो झारखंड की सरकार ने ही बना के रखा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अच्छा, अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछे कि जेएसएमडीसी का पूर्ण रूप क्या है, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। अगर आप झारखंड के किसी एग्जाम को दिए होंगे तो आपको पता होगा कि झारखंड में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। जेएसएमडीसी का पूर्ण रूप क्या है, जेएसएमडीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, याद रहेगा झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बात करते हैं। रांची में क्या हुआ था? रांची में है मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रांची में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो क्या, तो उसी मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कहां पे? रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और रांची के इस मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो खेलो झारखंड प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया था, इसमें सबसे ज्यादा मेडल्स है वो रांची के खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं। एग्जाम में हो सकता है कि पूछ ले आपसे कि झारखंड में जो झारखंड खेलो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसे खेलो झारखंड प्रतियोगिता कहते हैं, कहां पे हुआ था? रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो उसमें कौन से जिले के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा मेडल प्राप्त किए हैं? रांची के खिलाड़ियों ने।
अच्छा चलिए सर, रांची के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा मेडल जो है वो प्राप्त किए हैं। तो सर कितने मेडल रांची के खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं? 71, 71 मेडल। खेलो झारखंड प्रतियोगिता में कई सारे खेल हैं जिसका आयोजन किया जाता है, जैसे अर्चरी, जैसे हॉकी, जैसे कबड्डी। फिलहाल यहाँ पे फुटबॉल और अर्चरी ही आपको दिखाया गया है, लेकिन कई सारे खेल हैं जिसका आयोजन किया जाता है, चाहे वो अर्चरी की बात करें, चाहे हम लोग फुटबॉल की बात करें, कबड्डी की बात करें, हॉकी की बात करें, तो कई सारे खेल हैं। ठीक है, इसमें रांची की टीम ने या फिर रांची के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा 71 मेडल जो है वो प्राप्त किए हैं। वेस्ट सिंहभूम के खिलाड़ियों ने 34 मेडल और सरायकेला खरसावा के खिलाड़ियों ने 15 मेडल जो है वो प्राप्त किए हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, तो ये थे झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। आई होप कि झारखंड के करेंट अफेयर्स आपको समझ में आए हैं। अभी चेक करते हैं कि करेंट अफेयर्स आपको समझ में आ गया है। अगर करेंट अफेयर्स आपको समझ में आया है तो क्या आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं? ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड के किस शहर में 8 लेन सड़क का निर्माण किया गया है। एकदम मान लीजिए कि एग्जाम में सेम क्वेश्चन ये आपको देखने को मिल जाए, तो आप बताएंगे इसका आंसर आप क्या देंगे? 8 लेन सड़क का निर्माण झारखंड में कहां पे किया गया है, बताएंगे आप इसका सही आंसर क्या देंगे? तो अगर इसके सही आंसर की हम लोग बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा? धनबाद में। अभी बताया गया कि धनबाद में झारखंड का पहला 8 लेन सड़क बनकर तैयार हो गया है और उसका उद्घाटन या फिर उसका लोकार्पण झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। धनबाद में किस बैंक की सहायता से 8 लेन सड़क का निर्माण किया गया है, बताएंगे? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया कौन से बैंक, तो अभी बताया गया कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से, वर्ल्ड बैंक के हेल्प से, जो फाइनेंशियल हेल्प है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। चलिए, पेन का कलर आंसर हो जाएगा। आइए, हाल ही में बीजेपी के द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को कितनी मासिक सहायता राशि देने की बात कही गई है? गोगो दीदी योजना, अगर योजना का नाम अगर पूछे तो गोगो दीदी योजना, और कितनी? तो बीजेपी कह रही है कि अगर जेएमएम 1000 रुपये दे रही है महिलाओं को, तो पैसों की कमी हमारे पास भी नहीं है, हम 2100 देंगे। चलिए, पूरा ऑप्शन गलत है, 2100। ठीक है, कितने? 2100। सही आंसर क्या होगा? 2100। यहां पे ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो महिलाओं को बीजेपी कह रही है कि हम 2100 रुपया देंगे। कौन सी योजना? गोगो दीदी योजना। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है? अच्छा, एक बार टाइपिस्ट के जयकारा लगा देंगे। ठीक है, टाइपिस्ट महाराज के लिए जयकारा लगा देंगे। क्यों? तो एक तो ऑप्शन गलत दिया हुआ है और ऊपर से उसका सही आंसर भी दिया गया है। ऑप्शन बी, टाइपिस्ट कर रहा है कि 1964 रुपया दिया जाएगा। ऑप्शन बी लगाएंगे जयकारा, जय हो टाइपिस्ट महाराज की। चलिए, खैर आगे बात करते हैं। झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है, बताएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है? अगर झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की बात करें, अभी देखें हम लोग, अभी जस्ट देख के आए हैं, कौन है, क्या होगा? तो के रवि कुमार। क्या होगा? के रवि कुमार, ऑप्शन सी होगा ना, ऑप्शन सी ही ना होगा, के रवि कुमार ही है ना? हाँ जी, के रवि कुमार ही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। और झारखंड इलेक्शन कमीशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था, बताएंगे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अभी हम लोग देखे थे कि 14 मार्च को किया गया था। अब 14 मार्च 2000, 2001, 2004, 2010, क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, बताएंगे? झारखंड इलेक्शन कमीशन, क्या होगा? झारखंड इलेक्शन कमीशन, अभी हम लोग बात करके आए कि 14 मार्च 2001 को, कब? 2001 को। ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन
बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एमडी किसे बनाया गया है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आप सभी साथी इसका सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या होगा क्या होगा? बंदना दादेल। ऑप्शन ए राहुल सिन्हा। क्या होगा? राहुल सिन्हा। झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी कौन बने हैं? राहुल सिन्हा। अच्छा, एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। रांची में आयोजित किया गया, क्या आयोजित किया गया? खेलो झारखंड प्रतियोगिता। ठीक है, खेलो झारखंड प्रतियोगिता रांची में आयोजित किया गया। कहां पे किया गया? अगर एग्जाम में पूछ ले कहां पे किया गया, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजन किया गया। इसमें किस जिले के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा पदक जो है वो जीते हैं? कौन से जिले के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? क्या होगा सही आंसर? सबसे ज्यादा मेडल्स की अगर हम लोग बात करें तो रांची। ठीक है, कितने मेडल्स? 71, 71 मेडल्स। यही ना अभी हम लोग देख के आए हैं कि जो मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आयोजन किया गया कहां पे? रांची में। उसमें कितने मेडल्स? 71, 71। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर सही दिए होंगे। अच्छा, आपको ओवरव्यू भी मिल गया कि एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पिछला जो क्लास हुआ था, पिछले क्लास में ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था और आप लोगों को कहा गया था कि इस क्वेश्चन के सही आंसर को आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन था, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा एयर एम्बुलेंस की जो दर है वो प्रति घंटे घटाकर कितना किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 55,000। पहले अगर हम लोग बात करें तो जस्ट जिस टाइम पे एयर एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया था झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, उस समय प्रति घंटे उसका किराया 1,10,000 का रखा गया था। ठीक है, 1,10,000 से घटाकर 55,000 किया गया, यानी पूरा का पूरा आधा कर दिया गया है, 50%। पहले 1,10,000 था, अभी 55,000 हो गया है। तो अगर आपसे पूछे पहले कितना था उसका भी आंसर दे पाएंगे, अभी कितना किया गया है उसका भी आंसर दे पाएंगे, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया भी था। ठीक है, चलिए अब एक बार जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि झिरी में, अच्छा झिरी कहाँ पे है? रांची में है। ठीक है, झिरी में निर्मित बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आपको मैं बता दूं, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे। चलिए थोड़ा बहुत आज मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। ठीक है, झिरी में गेल के द्वारा, गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल एक कंपनी है। ठीक है, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के द्वारा रांची के झिरी में एक बायोगैस प्लांट का निर्माण किया गया है। आपको बस कमेंट करके ये बताना है कि इस बायोगैस प्लांट का उद्घाटन यानी इनॉग्रेशन किनके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, चारों में से सही आंसर क्या होगा? बस आपको ये कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से एक बार सभी लोग इसको कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, ठीक, क्लियर। चलिए तो आई होप कि आज का ये क्लास आपको क्लियर हो गया होगा, सभी करेंट अफेयर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई आपको डाउट है, कोई आपकी समस्या है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। ठीक है, जो भी आपका डाउट है वो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले रिजोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना भी ना भूले, और चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।